हेलो जी आनंद जी, माफी चाहूंगा सर, थोड़ा सा सर का कॉल आया था इसलिए मुझे ऑलरेडी कोई बात नहीं इमरजेंसी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ दरअसल आनंद जी, इस बार बच्चे जो आपका एग्जाम दिए हैं उनका जो हाँ फाइनल रिजल्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कारण से इनका 64.7% का मार्क्स जो है ना हाँ इनका फेल में जा रहा है, क्रॉस में अच्छा, फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का थ्योरी का सब्जेक्टिव का इनको 22 कंप्लीट करना था जो 19 की है ये। अच्छा। तो हाँ जी तो सर, क्या कर सकते हैं आप इसमें? जी हाँ जी, मैं देखिए ये डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर सर इस मेरी कॉल का गलत उपयोग आप नहीं करते हैं, आपकी फैमिली अगर सहमत मेरी डिपार्टमेंट से रहेगी सर, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हाँ कि जी जो मैंने आपको किया सर, इसमें मेरी डिपार्टमेंट सिर्फ मेरी इन्वॉल्व है, इसके अलावा मेरी गवर्नमेंट या तो मेरी बोर्ड का कोई इशू नहीं है सर इसमें, अच्छा क्योंकि बच्चे जो आपका ऑलरेडी 3 मार्क्स के कारण अति होते हैं सर, वो हम हमारे डिपार्टमेंट आपस में मैनेज करके हाँ मार्कशीट क्लियर करते हैं और रिजल्ट आपका फाइनल करते हैं। ओके हाँ हाँ तो इसी के रिगार्डिंग में बात किया था कि देखिए, अगर आप या तो सर नेक्स्ट टाइम बच्चे को फिर से चाहें तो दोबारा एग्जाम दिलवा सकते हैं, मेरा नंबर है सेव करें, मैं जो मार्क्स आपका बच्चे का बताया हूँ वो आपको मिलेगा जी उसी के साथ रिजल्ट। और अगर आप चाहते हैं कि सर इस साल अगर रिजल्ट बचा है तो हमारे डिपार्टमेंट से बात करनी होगी, इसका जो रखा गया चार्ज एक शीट का सर वो आपको पे करना होगा, क्या चार्ज रखा गया आप बताएंगे? 12,000 रखा जाएगा, तो आपका रिजल्ट कंप्लीट इसी फसल का हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे सर परसेंटेज मेरी मर्जी से मिले तो आपकी मर्जी से, तो मतलब कितने परसेंट मार्क्स आप कंप्लीट करवा देंगे? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अगर आप 12,000 पेमेंट करोगे 12,000, तो सिर्फ 64.7 का जो आपका है ना सर, वो सिर्फ पासिंग हम कर देंगे, आपका फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। अच्छा और अगर 18,600 की राशि आप कंप्लीट करेंगे तो आपका 80% के आसपास, 78 से लेकर 80 के आसपास तक हम छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ जी तो बहुत मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया आपने। कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा देखिए आनंद जी, मुझे तो आपकी बात से कुछ ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि जैसे कि आपको लग रहा है कि जैसे मेरे पास कुछ अलग ही उपलब्ध हो गया। है। नहीं, आपने तो मुझे इतना, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, नहीं देखिए सर, एक्स्ट्रा, देखिए एक्स्ट्रा आपकी मेरा पढ़ने में ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है सर। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है, आप जैसे लोग अगर मिल जाए तो मैं अपने बेटे को तो राष्ट्रपति बना दूं। नहीं नहीं सर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा आपसे, आपकी बात से मुझे ऐसा फील हो रहा है सर, ठीक है ना। मैं अगर एक बात खुलेआम आप आपको पहले भी बता, बात किए, देखिए पांडे जी मैं आपसे पहले भी बात किया हूँ, ये ह्यूमन की, देखिए सर मैं आपका दिल को ठेस पहुंचाने के लिए कॉल नहीं किया हूँ, मेरा नंबर है। दिल को तो आप ठेस पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि मैं बहुत क्लियर आदमी हूँ। जी बेटा 5 बार फेल होगा, मैं 5 बार उसको बिना चीटिंग करवाए उसको एग्जाम दिलवाना पसंद करूंगा, जी, बहुत सारे सर आपके आपको जैसे बहुत कोई सारे टूटना गार्जियन होंगे, फूटना पसंद बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं सर, समझ रहा हूँ मैं आपके आपको। और सर दूसरी आप बात है कि बिहार का नाम आप जैसे लोगों ने ही खराब करके रखा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। नहीं, मैं सुनिए तो मेरी बात सर, एक आप बार नहीं एक सर, इतना गुस्सा अच्छा ब्लैकमेल नहीं होता करते सर, हैं, प्लीज और नहीं प्लीज की बात मत बोलो, आप किसी के बच्चों के भविष्य के साथ आपके जैसे लोग ही मिलकर खिलवाड़ करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, पैसे की आवश्यकता है, पूरा पैसे की करप्शन है, आवश्यकता, आप घर अपनी में माँ मत, बहन को बेचो, अपनी अपना माँ घर बहन को सिर्फ, बेचो, सरस्वती को मत बेचो। सरस्वती को बेचने का मतलब अपनी माँ बहन को बेचना हुआ। हाँ सब ठीक बच्चे है सब एग्जाम जा रही है, देने, तेरे जो बड़े बड़े दादा चाचा सब बैठे हुए हैं ना ऊपर में, सब वो बेच रहे हैं माँ बहन को, तो हम क्यों नहीं बेचें, हाँ तो हम भी बेचेंगे। हाँ बेचो ना आप, तो जब क्यों सारे बोलते बेच हो? रहे हैं ना, और तुमको लग रहा मैं नहीं बेच रहा हूँ ना, तुम भी बेच रहे हो कहीं ना कहीं, जब तुम इस समाज में रह रहे हो तो। बेचना होता ना तो हम तुम्हारे जैसी बात नहीं करते। तो हाँ बहुत मैं सर, आपको अपना अरे फोन अभी तो लगाया बात था कर ना, बहुत अच्छा लग रहा बता था, रहा हूँ आपको, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब पैसे की बात आई तो तुरंत समझ में आ गया। वो तो मैं आपके अंदर की भावना जानना चाहता था ना कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप जैसे लोगों को ना वो भावना मुझे पता है, बहुत सारे मैंने भावना और साधना को मैं क्लियर कर जानता दिया हूँ, आपको कि मैं 5 बार अपने बेटे को एग्जाम दिलाना पसंद करवाओ करता करवाओ, शौक से हूँ। करवाओ, कौन शौक आपको से करवाओ, रोका? भगवान मैंने करे अपने बेटे तुम्हारी को माता सरस्वती तुम्हारी सुन ले। पहले मेरी बात सुन लो, मैं बता